गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के पता नहीं अब दोपहर के 4 मतलब 4:15 बज रहे हैं। और अभी व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि अभी भी मैंने हेयर वॉश किया है, अभी नहाया है और काफ़ी दिनों से तबीयत खराब थी। मतलब काफ़ी दिनों से मीन्स आपको तो पता ही है, तबीयत खराब ही थी। तो आज तुझे अच्छा अच्छा इसकी तबीयत खराब थी, ठीक है। तो तबीयत खराब थी तो इसी वजह से मतलब आप लोगों को पता ही है, जुकाम हो रखा था। जुकाम की वजह से ना मैं हेयर वॉश नहीं कर रही थी, डर की वजह से। अद्विक को भी खांसी है, डर की वजह से हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोचा चलो आज हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा था बालों में। और मतलब देख के ही मुझे ऐसा तो भी लग रहा था कि डैंड्रफ, इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा है बालों में। अभी देखिए पूरा डैंड्रफ क्लीन हो गया है, 2 बार शैम्पू से हेयर वॉश किया है और थोड़ा सा ड्रायर से हेयर मतलब हेयर जो है वो ड्राई कर लिए है। तो इसी वजह से थोड़ा सा भी, 1 मिनट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्रिसमस का वीडियो डाला था अपलोडिंग के लिए और अद्विक ने बीच में ही हाथ लगा दिया, तो मैं डर गई थी बिल्कुल कि अभी इतना ज़्यादा होने के बाद, इतना ज़्यादा अपलोड होने के बाद वीडियो फेल ना हो जाए। तो इसी वजह से मैं एकदम से चली गई वहाँ पर। 1 मिनट, इधर सबको बात करनी है आपसे, इधर आओ, इधर आओ, इधर। और यहाँ पर ना मैं पहली बार इतनी ठंड देख रही हूँ। ये देखो अद्विक भी पूरा स्वेटर वेटर पहन के पूरा मतलब रेडी होके है। हाँ, ये क्या है, ये टूट गया है वो रंगोली का। तो इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है यार यहाँ पे। आप लोगों की साइड में कैसी ठंड है ज़रूर बताना मुझे, बहुत ही ठंड लग रही है यहाँ पे आज। मतलब आज नहीं, काफ़ी दिनों से, 4-5 दिनों से तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। ऐसा कोहरा मैंने यूपी में देखा था, मतलब यूपी में हम लोग रहते थे तभी ऐसा कोहरा दिखते थे, बट यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसा कोहरा कभी देखने के लिए नहीं मिला। बट इस बार ना बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसी वजह से मेरी जो जुकाम है, मेरी जो खांसी जुकाम है, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा है। मतलब जैसे ही ठंडी हवा लग रही है या कुछ हो रहा है तो ऐसे ही जुकाम दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे करके मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है इस बार। और थोड़ा सा फेस से भी आपको पता चल रहा होगा। लॉलीपॉप खा लिया। हाँ, लॉलीपॉप खाई है इसने, इसी वजह से बता रहा है अभी। तो मैं आई हूँ ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए, थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा। क्रिसमस का वीडियो है, क्रिसमस का ब्लॉग मैं मतलब अभी तक अपलोड नहीं कर पाई। मतलब ब्लॉग बन चुका था बट 2 दिन से ना मतलब मुझसे निकल ही नहीं रहा था, शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो इसी वजह से ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई, कुछ भी मतलब एडिट ही नहीं कर पाई थी। और आप लोगों को लग रहा होगा कि इधर यार ये आधा ही क्यों है, मतलब वॉलपेपर आधा ही क्यों लगाया है। नीचे हमने वॉलपेपर लगाया था पिछले दिवाली के, मतलब ये जो दिवाली गई है उससे पिछले दिवाली पे वॉलपेपर लगाया था एक वॉल पे, उसमें से जो वॉलपेपर बचा था वो हमने यहाँ पर मेरे वीडियो का बैकग्राउंड करके ऐसे लगा दिया था, जितना वीडियो में आता है ऐसे करके तो मैंने लगा दिया था यहाँ पे। बट जितना बचा था उतना ही लगा दिया था, बट यहाँ पर नहीं लगाया है। तो अभी ये भी निकालना है मुझे, क्योंकि अजीब सा लग रहा है, कोई भी आता है ऊपर तो ये अजीब सा लगता है। इसी वजह से आधे ही वॉल पे है और आधी वॉल पे नहीं है, तो निकाल देना है वो भी वॉलपेपर। और यहाँ पर सज्जे पे मेरे ये जो मतलब जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं वो ऐसे ये टाइल्स वगैरह के, तो इसी वजह से उसे इग्नोर करना। और मैं यहाँ पर बार बार इसीलिए आ रही हूँ क्योंकि ये अद्विक बीच में हाथ लगा के फेल ना कर दे वीडियो को। इसी वजह से बहुत देखना पड़ता है यार, बच्चों के बीच में ना बहुत देखना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, तब तक मैंने सुबह जो वड़ा पाव बनाए थे उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बट उस टाइम मैं बात नहीं कर पाई, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक आप उसकी रेसिपी देख लीजिए, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस, सर्दियों के मौसम में ना कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए मिल जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाता है। तो थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर मैंने बेसन में डाली है और थोड़ा सा सोडा डाला है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। तो स्वादानुसार आपको नमक ऐड करना है और बस उसको उसमें पानी डाल के इस तरह से मिक्स कर लिया है। और इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मतलब बस। और हाँ, मैंने जब शूट मतलब जब मिक्स किया था तब शूट किया था, बट वो ऑन करना ही भूल गई थी मैं कैमरा, इसी वजह से मैंने अभी दिखाया है आपको। और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बेसन की। तो बेसन हम साइड में रख देंगे इस तरह से घोल करके, उसके बाद हम चटनी बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता, कुछ लहसुन की कलियाँ और यहाँ पर मतलब वो नारियल का क्रश लिया है और थोड़ा सा तेल डाला है कढ़ाई में। और उसमें थोड़ी मतलब जो लहसुन की कलियाँ है उसे हमें ब्राउन करना है, मतलब ज़्यादा पकने नहीं देना है, थोड़ा सा ही हल्का सा ब्राउन करना है। और उसके बाद हमें
उसमें ऐड करना है, वो नारियल का क्रश ऐड करना है उसमें, और मूंगफली ऐड करनी है। मूंगफली यहाँ पर मैंने भून के साइड में रख दी थी, तो उसके छिलके निकाल के तो मूंगफली भी ऐड करनी है, और ये नारियल का क्रश ऐड करना है, उसे भी अच्छे से भून लेना है। मूंगफली को अच्छे से भून लेना है, मूंगफली तो अच्छे से भून ही ली थी मैंने पहले, और उसके जो छिलके हैं वो भी निकाल लिए थे। तो ये इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है आपको, और थोड़ा सा मतलब मूंगफली तो भून लीजिए, तो मूंगफली को इतना ज़्यादा नहीं भूनना पड़ेगा, बट जो ये नारियल का क्रश है उससे भूनना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसे भून लेना है, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं मूंगफली डाल देनी है आपको इसमें, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। फिर आपको इसमें तिल डालना है, तो बस ये सारी चारों चीज़ों को आपको अच्छे से भून लेने के बाद आपको उसमें मसाले ऐड करने हैं, यानी कि मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। और तिल चटकने लग गए हैं, तो इसका मतलब तिल भी अभी हो रहा है, और ये सारी चीज़ें गोल्डन ब्राउन होने तक आपको होने देनी है। और अच्छे से फिर उसमें आपको स्वादानुसार क्या बोलते हैं मिर्च पाउडर ऐड करनी है, उसके बाद स्वादानुसार आप स्वादानुसार बोल रही हूँ नमक ऐड करना है स्वादानुसार ही, हाँ, और उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी उसमें ऐड कर देनी है, और ये जो मिक्सचर है वो ठंडा होने के लिए रख देना है आपको, और ठंडा होने देना है इस मिक्सचर को आपको, और उसके बाद आपको इसे ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में। तो बस आपकी चटनी रेडी हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम लोग दूसरे मतलब जो आलू की चटनी है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। वो जो मिक्सचर है वो मैंने निकाल के साइड में रख दिया था, अब ये ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको अभी ग्राइंड कर लेना है, और बस ग्राइंड करने के बाद ये चटनी रेडी हो जाएगी। और ये जो कढ़ाई है मैं इसी में अभी आलू की चटनी बनाऊंगी, जो हमें स्टफिंग के लिए चाहिए होगी, मतलब वो वड़े की मतलब वड़े के लिए चाहिए होगी, सॉरी। तो हम लोग बनाने वाले हैं वड़ा पाव, और सॉरी मैंने अभी बताया नहीं आपको, वड़ा पाव बनाने वाले हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था जैसे कि आपको। और यहाँ पर हम लोग अभी ग्राइंड कर लेंगे चटनी को, तो ये चटनी ग्राइंड हो गई है, और इस तरह से हम लोग इसे साइड में करके रख देंगे, इसका काम हमें बाद में है। तो अब हम लोग कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, जब गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग उसमें जीरा राई ऐड करेंगे। और किस किस का मन करता है ठंडी में इस तरह से गर्म गर्म कुछ चीज़ें खाने का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है ऐसी ठंडी मौसम में काफ़ी चीज़ें, मतलब पकोड़े और ये वो, बट थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है। ऐसे ही हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो फैट का तो बढ़ना ही है। तो इस तरह से मैंने इसमें क्या बोलते हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और थोड़ा सा मिर्च का पेस्ट ऐड किया है, मतलब मिर्च को दरदरा कूट लिया था उसको वो ऐड किया है, और साबुत धनिया ऐड किया है। साबुत धनिया इसमें मस्ट है, तो साबुत धनिया ज़रूर ऐड करना, क्योंकि साबुत धनिया की टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और उसके बाद कड़ी पत्ता ऐड किया है, और थोड़ा सा हींग ज़रूर ऐड करना अगर आपको पसंद है तो, हींग से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। और उसके बाद मैंने हल्दी ऐड की है, उसके बाद नमक ऐड किया है, और बस आलू हमने डाल दिए हैं जो हमारे हमें उसके लिए वड़े के लिए चाहिए होंगे। तो बस इसकी चटनी बना लेंगे, और इसे फिर ये स्टफिंग के लिए, मतलब स्टफिंग क्या उसका वो बड़ा ही बनेगा, तो बस इस तरह से हम लोग इसकी चटनी बना लेंगे, और इसके साइड इसे भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। बस हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा घोटाला हो रहा था, तो यहाँ पर मैं उसे अभी एक प्लेट में निकाल के एक साइड में रख दूँगी। और मैंने गैस भी ऑफ़ नहीं किया था, आप देख सकते हो मैं भूल गई थी बिल्कुल भी गैस ऑफ़ करना। अभी मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे बाद में तो पता चल गया था मैंने गैस ऑफ़ नहीं किया था, मैंने गैस ऑफ़ कर दिया था बाद में। और यहाँ पर मैं साइड में वड़े भी फ्राई कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं चाय भी बना रही हूँ, और गर्मा गर्म चाय और वड़े, मज़ा ही आ जाता है यार। मतलब पकोड़े या चाय ऐसी, मतलब ठंडी के मौसम में या बरसात के मौसम में ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तरह से मैं वड़े फ्राई कर रही हूँ, बस आपको उस वड़ों को गोल गोल, मतलब उसके इसको वड़े को गोल गोल करना है, क्या बोलते हैं ऐसे राउंड राउंड करके अपने गोले बना लेने हैं, और उसे अपने क्या बोलते हैं इसे डिप करना है। मुझे जल्दी से अभी यही समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता नहीं नाक बंद है इसी वजह से, या कुछ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इसी वजह से। तो बेसन में आप देख लो अभी आपको दिखाई दे रहा है, बेसन में अभी डिप करना है इसे, और बस इसे फ्राई कर लेना है, और आपके गर्मा गर्म जो वड़े हैं वो तैयार है। मैं अभी एडिट कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, तो आपका पता नहीं।
हाँ आप ज़रूर बताना मुझे कि आपको कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, और आपको खाने का मन कर रहा है कि नहीं ये भी ज़रूर बताना मुझे। तो इस तरह से मैं वड़े फ्राई कर लूँगी, उसके बाद फिर उसे बनाने के प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ा सा मुझसे ये वाला घोटाला हो गया था, मतलब जब हम लोग डालते हैं तो उस टाइम में जिसको ज़्यादा आदत है, मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा बताती नहीं हूँ तो इसी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा आदत नहीं है। तो यहाँ पर मैं पाव ले रही हूँ, इस तरह से हमें पाव चाहिए होगा। उसके बाद उससे बीच में से कट कर लूँगी, उसके बाद उसमें वड़ा दबा दूँगी, और उसके बाद जो हमने चटनी ग्राइंड की थी वो उसके ऊपर डाल दूँगी, और हमारा वड़ा पाव रेडी है। ये जो वड़ा पाव है वो मुंबई का स्ट्रीट फूड में आता है, मतलब मुंबई में यही वाला वड़ा पाव खाया जाता है ज़्यादातर इसी तरह से। और आप देख सकते हो गर्मा गर्म चाय, वड़ा पाव और हरी मिर्च फ्राई की हुई, और उस पर नमक ऐड किया हो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। बस मैं अभी इसे फिनिश कर लेती हूँ और आप भी आ जाइए मेरे साथ कंपनी देने के लिए। अद्वित देखो कहाँ पर खड़ा है, अद्वित कहाँ पर खड़े हो आप? यहाँ पे ओके। और आप नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर घर नहीं है, मैंने जैसे कि आपको बताया था थोड़ा सा कॉलोनी जो है थोड़ी सी इधर से, मेरे इधर के साइड से घर नहीं है, और ये वाले प्लॉट जो है अभी इस पे डुप्लेक्स बनने वाला है, क्या बोलते हैं, 3 डुप्लेक्स बनने वाले हैं, सेम घर 3 घर बनने वाले हैं यहाँ पे। ये जो बीच में प्लॉट दिख रहा है उसके बाद एक घर बना हुआ है, अभी वहाँ पर रहने के लिए नहीं आया है कोई, तो वहाँ पर भी रहने के लिए आ जाएंगे अभी 2-4 महीने में, क्योंकि काम चल ही रहा है उस घर का। और ये वाला घर, मतलब ये वाले जो 3 घर है अभी बनाना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये भी 2-3 महीने में इसका कंस्ट्रक्शन चल, मतलब स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक ठंडी ख़त्म हो जाने के बाद। और अद्विक यहाँ पर देख रहा है, मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है उसको क्योंकि वीडियो अपलोड हो रहा था, जैसे मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया था उसे क्योंकि वो बार 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 हाथ लगा रहा था। और अद्विक अद्विक ने स्वेटर वगैरह आपने वो क्यों, क्या आप क्यों निकाल दी, क्या आप क्यों निकाल दी, क्या आपका है घरी घरी, ये घरी तो है, क्या आपका है? और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा माहौल, मतलब अजीब से मौसम हो रखा है यार, मतलब ऐसे मौसम में ना चाय गरम गरम और पकोड़े खाने का बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। दिसत नहीं है? हाँ देखो, तो अभी यहाँ पर इसको अटका दिया है मैंने। हाँ बर्थडे जो पैन घात लद्दू, ओके तो हाँ पानी टाकी, ये क्या क्या दिखाता है, पानी की टंकी, पानी की टंकी सभी लोगों ने देख ली है, पानी की टंकी देखी हुई है सबने। तो चले फिर अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, अभी वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद कुछ ना कुछ करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अभी अद्विक ने भी क्या पहन लिया, दिखाओ अद्विक, ओह क्यूटी पाई, अद्विक ने भी क्या पहन ली, मूड नहीं है आपका क्यों? पतंग उड़वाए ला क्यों? तुझे दोस्तान शोबत तीत है, कहाँ है आपका दोस्त? पता नहीं इसका दोस्त कहाँ है। तो और हाँ मैंने भी जर्किन पहन लिया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसी वजह से अद्वि को भी टोपी पहना दी है और मैंने भी जर्किन पहन लिया है। तो कपड़े डालने हैं नीचे मशीन में, तो चलिए पहले कपड़े डाल देती हूँ। उसके कपड़े डाल दिए हैं मशीन में और आप देख सकते हो मशीन चल रही है, तो मेरे ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मेरे ही कपड़े थे, मेरे कपड़े थे और 2-3 ऐसे ही कपड़े थे तो वो डाल दिए हैं। तो अभी कपड़े निकाल देती हूँ, पर बाहर डालने का मन नहीं करता है तो मैं इसे ऊपर ही डाल दूंगी, बाहर निकलने का ही मन नहीं कर रहा है मेरा क्योंकि मैं डर रही हूँ कि जुकाम ना हो जाए दोबारा से, तो इसी वजह से अभी इसे अंदर ही डाल दूंगी ऊपर वाले रूम में।
कपड़े मैंने डाल दिए थे, और उसके बाद ना मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि फाइनल टच इसका, मतलब जो हमने पौधे लगाए थे उसका फाइनल लुक दिखाना भूल गई थी। तो इस तरह से ये सारे पौधे हमने लगाए हैं और कुछ इस तरह से दिखते हैं। गमलों में इस तरह से लगाया है, साइड में लगा के रख दिए हैं, मतलब गमले साइड में करके रख दिए हैं। और यहाँ पर ये कड़ी पत्ता है छोटे से गमले में, और यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको दिखाया था ये गुड़हल का फूल है पिंक कलर का, और यहाँ पर ये मनी प्लांट है जो मतलब अभी ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर गुड़हल का फूल है ऑरेंज कलर का, उसका फूल निकल गया है, और ये ऑरेंज कलर की शेवंती हमारे साइड में बोलते हैं, आपके साइड में क्या बोलते हैं इसे ज़रूर बताना। और इस तरह से ये वाले सारे फूल हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये बीच बीच में आपको गैप दिख रही है, ये हमने गुलाब के फूलों के लिए रखी है, तो अभी गुलाब के पौधे लाना बाकी है, तो गुलाब के पौधे भी हम लोग लेके आएंगे, तब आपको दिखाएंगे ज़रूर। और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपने गार्डन कैसे बनाया है, तो गार्डन अंदर का तो सिंपल सा, पहले तो इतना ही नहीं था, मतलब पहले बहुत ही अच्छे अच्छे फूल लगाए थे, इससे भी ज़्यादा अच्छे फूल लगाए थे, बट वो सारे जल गए थे हमारे। मैं अपने मायके गई थी कुछ दिनों के लिए, मतलब समर में मेरे भाई की शादी की थी, उस टाइम मैं मायके गई थी, तो उसी टाइम में ये जल गए थे सारे पौधे। और बाहर भी हमने काफ़ी सारे पौधे लगाए थे, तो वो भी जल गए थे, मतलब पानी डालने के लिए कोई नहीं था और धूप इतनी ज़्यादा थी, तो इसी वजह से काफ़ी सारे पौधे हमारे जल गए थे और काफ़ी नुकसान भी हो गया था उस टाइम। तो कोई बात नहीं, हमने दोबारा से लाया है और अभी दोबारा से डेकोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे ना मिट्टी नहीं है, मतलब ये नहीं है क्या बोलते हैं, नीचे टाइल्स है, मिट्टी नहीं है नीचे तक। तो पहले ऊपर फ्लोरिंग किया था, उसके ऊपर टाइल्स लगाई थी, फ्लोरिंग के ऊपर ही वो मिट्टी डाली हुई है, तो वैसे करके है, नीचे तक मिट्टी नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादा बड़े पौधे वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। जिसकी जड़ें ज़्यादा फैलती है वैसे पौधे हम लोग वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो इसी वजह से ऐसे पौधे लगाते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी बना रही हूँ ग्रीन टी, तो मैंने ये लूज़ ग्रीन टी मतलब उसमें डाली थी और वो माइक्रोवेव कर ली थी, और अभी उसे मैं छान लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा झंझट का काम लग रहा है अभी, बट अभी ये लूज़ ग्रीन टी लाई है तो क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ तो करना ही पड़ेगा, बट इफ़ेक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसा हो रहा है, क्योंकि मैंने बीच में लेना बंद कर दिया था काफ़ी दिनों से, तो अभी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा चलो इसकी वजह से थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो अभी दोबारा से लेना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मतलब सब्जियों के लिए ये सब्जियाँ काट के रख दी है, और फिर अभी ले लेती हूँ ग्रीन टी और मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी गर्मा गर्म ग्रीन टी, और हाँ मैंने ये बनाई है वो लूज़ ग्रीन टी से, जैसे कि आपको पता है मैंने इस बार लूज़ ग्रीन टी लाई थी, तो उसी वजह से मैं अभी लूज़ ग्रीन टी ही पी रही हूँ, मतलब बना के वैसे जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो इसे ना बहुत ही मतलब मुश्किल हो रहा है कि उसमें वो ग्रीन टी बनाओ और उसको छाना उसके बाद पियो, उससे अच्छा वो टी बैग है, बट इफ़ेक्ट सेम ही हो रहा है। बट मैं ना अभी ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बट तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा चलो फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, तो इसे जैसे मैं अभी ये ले रही हूँ, और चलिए फिर ग्रीन टी फिनिश करती हूँ और इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।